न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। रह गया काशी के बेटा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके काशी के पावन धरा पर हम दिव्यांगन की ओर से बहुत बहुत स्वागत बा। क्या शुभ नाम? सर अभय कुमार शर्मा, स्टैंड अप कॉमेडियन भी, मिक्री आर्टिस्ट सर। अरे वाह, अक्षय सर के लाफ्टर चैलेंज में भी मैं था सर। अच्छा, किसकी मिमिक्री करो सर? आपकी, राजनाथ सर की। अच्छा, हमारी करो जैसे आपकी। हाँ। जैसे मन की बात में। हाँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मुझे बनारस में जाने का अवसर मिला, वहाँ पर मैंने देखा तमाम लोग जो स्वागत अभिनंदन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे दिव्यांग लोग स्वेच्छा से आकर के और जिस सहृदयता से गले मिल रहे थे, मुझको जो आनंद का अनुभव हुआ वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बढ़िया। प्रणाम सर, मेरा नाम सर सत्य प्रकाश मार्जी है। मैं एमए प्रथम वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ सर। बस मैं दो लाइन बोलना चाहता हूँ सर। खोया हुआ था हम भारतीयों का जीवन, हम भारतीयों के जीवन में थी अंधेरी रात, सर आपके सार्थक प्रयास ने हम सभी भारतीयों के जीवन में लाई खुशियों की बरसात। और बस सर आपके तकलीफ बचपन से। हाँ सर, हम आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को सर सलाम करते हैं और आपके साथ प्रेरणा के मार्गदर्शक के आधार पर हम चलना चाहते हैं सर। मैसेल परितोष कुमार वर्मा, ग्राम काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर मैं बीएससी कर रहा हूँ, लेकिन सर मैंने दो बार एमबीबीएस क्वालिफाई किया, ड्यू टू मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से मेरा सर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ सर। बनारस के हैं सर। हाँ सर, किसान है सर। और सर मैं क्या कर रहे हैं सर? बीएससी सर, लेकिन सर मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ। मैंने दो बार क्वालिफाई किया सर, लेकिन सर मेरा कॉलेज अलाट होकर भी चला गया सर। तूतुकुड़ी मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में अलाट हुआ था, लेकिन सर मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से सर मेरी पूरी काउंसलिंग रुक गई। लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता सर, आई हैव नो प्रॉब्लम। नहीं बन सकते हो सब, बन सर मेरा सर एक गुहार है सर, बस मैं इसको चेक करवाऊंगा क्या सर, मतलब सर, एक मैं अपने अफसरों को बताऊंगा जरा कुछ। और सर परिंदों को नहीं दी जाती उड़ानों की तालीम, वो खुद तय करते हैं आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। दुनिया में हर चीज ठोकर खाकर टूट जाया करती है, बस एक सफलता ऐसी चीज है जिसे ठोकर खाकर प्राप्त किया जा सकता है। सर एक शब्द हम बोलना चाहेंगे सर। सर हम चाहते हैं कि विवेक सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती सर रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाए और कुंवर सिंह की जयंती अंगदान के रूप में मनाया जाए सर, क्योंकि उन्होंने खून दो और देश को आजाद करवा का नारा सुझाव दिया। और सर नमस्ते जी, अजय यादव इंटरनेशनल दिव्यांग क्रिकेटर, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में 6-0 से हराया। क्रिकेट में क्या खेलते हैं? क्रिकेट में ऑलराउंडर क्रिकेटर। ऑलराउंडर है जी, मेरा यही प्रैक्टिस ग्राउंड है। अच्छा, यहीं पर? हाँ, अपने चीर प्रतिद्वंदी को चार बार वहाँ गया। कितने बच्चे तैयार हुए हैं यहाँ? इंटरनेशनल एक टीम है ऑल इंडिया का, वो आपको अभी अच्छी टीम है, बहुत बड़ी टीम है और 6 महीने में वो होने वाला है वर्ल्ड कप, उसमें आप। जी भैया, मैं मृत्युंजय मिश्रा हूँ, प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में। अच्छा। और मैं दिव्यांग बच्चों का अधिकारी हूँ, अभी ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर हूँ बना काशी विश्वविद्यालय का। मैं आपको एक निवेदन करता हूँ सर, हमारे यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट ये दिव्यांग बच्चों के लिए कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी दो मिशन पे हम लोग बच्चों को लेकर काम कर रहे हैं, एक तो नमामि गंगे है, नोट बना कर जी मुझे मिल जाए कंसेप्चुअल नोट जी किया जा सर। और एक चीज है, अभी जो ऊर्जा मिशन है, हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारत में सर्वप्रथम एनर्जी इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया है। वाह सर, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। नाम सर, मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं मास्टर्स इस हाथ से बना के। अच्छा, कितना टाइम लगा सर? ये 1.5 घंटे। अच्छा, तो पंकज पढ़ते हो फाइन आर्ट्स में? फाइन आर्ट मेरा कम्प्लीट है, मास्टर्स हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में। परिवार में सब क्या कर रहे हैं सर? मेरे पापा एक दुकान पे मिली हुए हैं, मैं उनका चलोता हूँ सर। सर मेरे गांव की थोड़ी समस्या है। नमस्ते, आप तो बड़े बीजेपी के लीडर हो यार। स्वस्थ
की हेल्पिंग बहुत मेहनती कर रहा हूँ। वाह लगता है हर बार लगा रहता है हर बार कम ये एथलीट में गोल्ड मेडल अहमदाबाद ओलंपिक में पाया। अहमदाबाद गया था खेलने? हाँ सिटी का कैसे क्या क्या देखा है अहमदाबाद में? हाँ कितने दिन रहे थे अहमदाबाद? हाँ सबको बताया कि नहीं आपके मोदी जी को हम काशी वाले उठा के ले गए हैं? बोला कि नहीं बोला? शरारत करते हो घर में? करते हो? नहीं नहीं, नहीं पक्का करते हो? मैं डॉक्टर उत्तम उदय में सलाहकार हूँ सब मंत्रालय में दिव्यांग क्रिकेट के बारे में। नमस्ते बेटा। सर मेरा नाम सुमेना पाठक है, मैं एयर पिस्टल शूटर हूँ और अभी BHE से BCOM कर रही हूँ। सर एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, यहाँ पे राइफल क्लब जो है उसकी कंडीशन अच्छी है। सर अभी नेशनल शूटर है, अभी स्टेट में गोल्ड मिला है और प्री नेशनल में ब्रॉन्ज मिला था, चेन्नई में हुआ था। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, सुझाव पर मैं जरूर सोचूंगा। और सर ये मेरे तरफ से मेरी फैमिली के तरफ से है सर, जो CRPF शहीदों के साथ हुआ तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा डोनेशन है सर, हमारे पुलवामा के शहीदों के लिए। नमस्ते सर, हम विकलांग तो है नहीं, दहेज के कारण मुझे विकलांग बनाया गया और ये मेरी पेंटिंग है जो कि 17 साल बेड पे रहने के बाद मैंने बनाई है। वाह बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कितने समय में बना देती हूँ? 1 घंटे में 2 घंटे में। जी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड पेंटिंग बनाई महिला सशक्तिकरण, वो पेंटिंग आपको गिफ्ट करनी थी लेकिन वो 6 फीट की कैनवास से नहीं लेके आता। कोई बात नहीं, बस उस महिलाओं के लिए कुछ करना है जो दहेज के कारण उन लोग की ऐसी दशा न हो सके। 3rd फ्लोर से नीचे नीचे फेंका गया था 35 फीट ऊंचा और आज मेरे साथ ये BHE से पेंटिंग ऑनर से ग्रेजुएशन किया है मैंने। मेरी एक बेटी भी है, आज अपने पेरेंट्स के पास हम रहते हैं। दुखी इस बात का है कि आज भी दहेज के कारण इतना सारा कुछ हो रहा है, अब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, अब मेरे बड़े भाई की तरह। मैं कुमार हूँ, BHE में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर और यातायात अभियंत्री भी रहा हूँ। साथ ही सर केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की जो भी यातायात की नीड्स है उनके लिए मैं प्लानिंग को डिजाइन करता हूँ सर। चलिए मुझे अच्छा लगा आज आप सबसे मिलने का। एक आग्रह फोटो निकालना है सर, इनके पीछे इन दोनों के बेटे आप तो चलिए आओ बेटा, चलिए सब लोग आ जाइए आगे आ जाइए, थोड़े चौड़े हो जाएंगे कोई बात नहीं, फोटो निकल जाएगी। तुम सामने देखो बेटा, देख सामने तेरी फोटो आएगी। बताइएगा कैमरा बिल्कुल ठंडा हो गया। नमक पार्टी माता की जय, माता की जय, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, फिर अब की बार मोदी सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, फिर से धन्यवाद।